ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो मंत्रिपरिषद ने आज लिया है। सोन, क्योर, फल्गु, चानन एंड मोहर, तो इनके जो रॉयल्टी दर है वो 75 से बढ़ा के 150 कर दिया गया। सभी जो रॉयल्टी दर है उसमें रिविजन कर दिया गया है। डिप्लोमा कोर्स जो है भागलपुर से संचालित होंगे और AICT का भी जो अप्रूवल होता है जो कोर्स चलाने के लिए वह भी प्राप्त हो गया है। मंत्रिपरिषद ने बालू खनन के रॉयल्टी के दर में संशोधन किया है। राज्य की 5 नदियां सोन, क्यूल, फल्गु, चानन एंड मोहरा, इन 5 नदियों में जो स्वामित्व दर है, जो रॉयल्टी है, वह प्रति घन मीटर अब 150 होगी। पूर्व में 75 थी और 75 को बढ़ा के ये 150 कर दिया गया है। तो इन 5 नदियां यथा मैं पढ़ देता हूं, सोन, क्यूल, फल्गु, चानन एंड मोहरा, तो इनके जो रॉयल्टी दर है वो 75 से बढ़ा के 150 कर दिया गया है। इसका मुख्य कारण ये है कि ये सारे जो नदियां हैं ये निर्माण कार्य और जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसमें इसका प्रयोग होता है, और अन्य जो नदियां हैं वो मट्टी भराई और अन्य जो साधारण काम है, जो मोटा बालू जिसको कहते हैं, उसमें वो प्रयोग में आता है। और बाकी जो नदियां हैं उनका जो दर है वो यथावत 75 रुपये प्रति घन मीटर रहेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो मंत्रिपरिषद ने आज लिया है। इसके अतिरिक्त जो रिजर्व जमा है, 5 वर्ष की बंदोबस्ती होनी है और रिजर्व जमा में भी संशोधन राज्य सरकार ने कर दिया है। आपको याद होगा कि कुछ मंत्रिपरिषद बैठक की बैठक से पहले, कुछ बैठकों से पहले, जो रिजर्व जमा थी वो 2021 के दर में 50% की वृद्धि राज्य सरकार ने की थी। अब ये जो दर है, आपको 2 रॉयल्टी दर है, 75 और 150 है, और साथ ही साथ जो उसका DSR है जिसको कहते हैं, जिसमें जो एनवायरनमेंट क्लियरेंस के बाद माइनेबल एरिया है, किस एरिया में खनन होना है और कितनी मात्रा में खनन होना है, इसका भी निर्धारण अब एनवायरनमेंट क्लियरेंस के माध्यम से कर दिया गया है, और उसी आधार पर अब कैलकुलेशन होगा और अब यह सभी जो रॉयल्टी दर हैं उसमें रिविजन कर दिया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का एक प्रस्ताव था, यह भागलपुर में 4 डिप्लोमा स्तर के कोर्स संचालन से संबंधित हैं। इसमें उद्योग विभाग की जो भूमि थी वहाँ पे, जो वहाँ पर अभी वर्तमान में रेशम एवं वस्त्र संस्था भागलपुर वहाँ पे स्थापित थी, ये करीब 7.12 एकड़ भूमि थी उसमें, जिसमें परिसंपत्ति बिल्डिंग सब थी, जिसका स्थानांतरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में कर दिया गया है। अब 4 कोर्स वहाँ पे डिप्लोमा के चलेंगे। ये 4 कोर्स का नाम मैं पढ़ देता हूँ, कंप्यूटर एडेड कॉन्स्ट्यूम डिज़ाइन एंड ड्रेस मेकिंग, ये पहला कोर्स होगा जिसमें 60 सीट हैं। फैशन एंड क्लॉथिंग टेक्नोलॉजी है, इसमें 60 सीट हैं। गारमेंट टेक्नोलॉजी है, इसमें 60 सीट हैं, और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी है 60 है। तो ये 4 कोर्स अब डिप्लोमा कोर्स जो है भागलपुर से संचालित होंगे और AICT का भी जो अप्रूवल होता है जो कोर्स चलाने के लिए वह भी प्राप्त हो गया है। देखिए, केंद्र अपने सीमा अपना गाइडलाइंस पर करती है, ठीक है ना, वो अपना फॉर्मूला है और उस फॉर्मूला पे ये बैठता नहीं। हम लोग टीचर, आपको याद होगा कि हम लोग टीचर्स रिक्रूटमेंट करते हैं, टीचिंग कर भी रहे हैं, तो जिस अनुपात में हमारे टीचर्स हैं उस अनुपात में मिलने का, मतलब ये आप समझ सकते हैं, और जिस स्केल पे हम लोग मांगते हैं उस स्केल में वो नहीं देते हैं। कितना अमाउंट का बता सकते हैं? ये क्या, ये प्रस्ताव में नहीं है बट सर, वो जो देते हैं वो अभी तक अपडेट है, अप टू डेट है। हाँ, देखिए 2 चीज़ें हैं। एक और कैबिनेट नोट आया था कुछ कैबिनेट से पहले, आपको याद होगा, जिसमें वो अपने समय पे भी देते हैं, मतलब वो कभी जब डिले हो जाता है तो राज्य सरकार प्रत्याशा में स्टेट शेयर देती है, आपको याद होगा, एक आया था बीच में, इससे पहला वाला जो कैबिनेट था उसमें प्रत्याशा में हम लोगों ने अपना स्टेट शेयर रिलीज किया था, तो ये आगे भी चलता रहता है।
किंतु ये फाइनल शॉर्टफॉल जो होता है, फाइनल जो शॉर्टफॉल हो जाता है, इतनी राशि तो मिलनी ही नहीं है, वो बजट से फिर स्टेट बजट से होता है। हाँ, ये वो वाली है, ये नहीं मिलने वाली है। हाँ, ये नहीं मिलने वाली है। अब देखना, वेतन निधारण भुगतान है तो केंद्र की राशि कम हो उपलब्ध होने, तो ये कम ही हो गया वो। हाँ, अनिर्बन बताइए, बन क्या हो जाता है, क्यों क्या मैडम? दो चीजें हैं, एक तो है कि जो बंदोबस्ती होगी वो तो ऑक्शन से होगा, उसका एक रिजर्व जमा होता है, तो जो रिजर्व जमा होगा वो क्वांटिटी, माइनेबल क्वांटिटी के आधार पर होगा, कितना माइन किया जाएगा, तो कितना माइन किया जाएगा ये एनवायरमेंट क्लियरेंस के हिसाब से होगा। एनवायरमेंट क्लियरेंस में होगा कि यहाँ से यहाँ तक माइन किया जाएगा या इस क्षेत्र में माइनिंग की जाएगी, उसके आधार पर इन्होंने माइनिंग क्वांटिटी निकाली। और फिर उसके साथ ये जो रेट चेंज हुए हैं इसको उसका समायोजन किया, और फिर उन्होंने एक रिजर्व जमा निकाला। तो दोनों अलग चीज़ हैं, एक रॉयल्टी दर है और दूसरा है माइनिंग एरिया के आधार पर उन्होंने माइनिंग क्वांटिटी निकाली और उस आधार पर उन्होंने ऑक्शन का रिजर्व जमा किया। इसलिए दो संलेख अलग अलग विषय पर हैं।